नई दिल्ली में आयोजित एक लॉन्च इवेंट में रियलमी 2 स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया। याद रहे कि इस साल ही रियलमी को ओप्पो के सब ब्रांड के तौर पर मार्केट में उतारा गया था, हालांकि बाद में रियलमी अलग कंपनी ही बना दी गई। वैसे कंपनी का नया स्मार्टफोन रियलमी 1 का अपग्रेड है। नए रियलमी 2 की अहम खासियतों की बात करें तो यह फोन फेस अनलॉक फीचर, 4230 mAh बैटरी, ड्यूल 4GB OLTE और 4GB तक रैम के साथ आता है। देखा जाए तो रैम 2 सही मायने में रैम 1 का अपग्रेड नहीं लगता है, क्योंकि पुराने फोन का 6GB रैम वाला वेरिएंट भी था, लेकिन नए फोन में सर्वाधिक रैम 4GB है। इसके अलावा नए फोन में स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि इस फोन में रियर पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, जो रियलमी 1 में नहीं था। भारत में रियलमी 2 की कीमत 8,990 रुपए से शुरू होगी। इस दाम में 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलेगा। 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट को 10,990 रुपए में बेचा जाएगा। फोन को भारत में फ्लिपकार्ट पर बेचा जाएगा। यह डायमंड ब्लैक, डायमंड ब्लू और डायमंड रेड रंग में उपलब्ध होगा। इस कीमत में स्मार्टफोन की सीधी भिड़ंत Xiaomi Redmi 5 और Nokia 3.1 जैसे हैंडसेट से होगी।